तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कल की जो मैच हुई थी, जो आरसीबी वर्सेस केकेआर के बीच में, दोनों टीम राइवलरी माना जाता है इनके बीच में, बट कल की मैच काफी एक्साइटिंग रही और काफी एक तरफी मैच रही और आरसीबी ने आसानी से जीत हासिल की है दोस्तों। तो अगर इसलिए इसके पहले की अगर बात की जाए, इसके पहले वाला साल अगर बात की जाए, तो आरसीबी काफी खराब फॉर्म से गुजर रही थी और उसके साथ ही साथ केकेआर के खिलाफ वो शायद कुछ 35 या 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी। उसका पूरा बदला इस साल उन्होंने ले लिया है और काफी अच्छे टीमों के साथ अभी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसका मेन रीजन ये है दोस्तों, क्रिस मॉरिस की जो मतलब बेहतरीन वापसी हुई है, उसके चलते हुए बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स उनको मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे पेस के साथ क्रिस मॉरिस बॉल कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ वॉशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल काफी अच्छे फॉर्म में, फिर मतलब युजवेंद्र चहल तो हमेशा विकेट लेते हैं, हर साल विकेट लेते हैं, हर साल अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट अभी की अगर इस साल की बात की जाए तो सारे बॉलर्स बहुत ही अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली एक अच्छे एरियाज पे हिट कर रहे हैं बॉल को और उसके रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। तो अगर कल की मैच की अगर बात की जाए तो केकेआर कुछ खास नहीं कर पाए और उसके चलते हुए 84 पे 8 विकेट भी गवा के 20 ओवर में सिर्फ 84 रन बना पाए और उसके चलते सिर्फ 20 ओवर में 85 रन लक्ष्य था आरसीबी के टीम के सामने। तो अच्छे से आराम से जीत हासिल कर ली, कोई उनको जल्दबाजी नहीं की, वो प्लेयर्स ने विकेट को थोड़ा सा सैल्यूट किया, विकेट को थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्ट किया और उसके चलते हुए 13 ओवर्स में मैच को आपने जेब में डाल दिया है आरसीबी ने। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग, मैं हूं शुभंकर और मैं मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्पोर्टेबल एक्वेसर। जैसे कि आपको सबको मालूम है, मैं यहां पे क्रिकेट की बातें करते रहता हूं, यहां पे डेली वीडियोस आपके सामने रहता रहता हूं जिसमें क्रिकेटर्स का इंटरव्यू होता है जो कि मैंने लेके रखा है, उसके साथ ही साथ मैं आगे भी डालता रहूंगा जो मैं इंटरव्यूज लूंगा वो। उसके साथ ही साथ मैंने आईपीएल की पूरी जर्नी स्टार्ट से आपको बताई है कि कौन से प्लेयर किसमें चले गए, ऑक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया है, उसके साथ ही साथ इंजुरीज के बारे में सारी अपडेट आपको दी है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स आपको आपको बताया है और आगे भी मतलब आईपीएल का वीडियोस में आईपीएल के मैचेस के यहाँ पे रिव्यूज ये मैं करता रहूंगा। तो जो कि अभी मेरा फ्रेंड नहीं है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है, डेली वीडियोस आपके सामने रहता रहूँ इसके लिए। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बिना देरी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की मैच जो होने वाली है केकेआर वर्सेस आरआर के बीच में, उसमें कौन जीतेगा और मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करूंगा मेरी प्लेइंग 11, उसके साथ ही साथ मैं बताऊंगा आज का विनर कौन रहेगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, कल की मैच अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि आरसीबी एक बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है और जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द सीजन में बताया था कि मतलब स्क्वाड में बहुत ही पॉजिटिविटी नजर आ रही थी शुरू से और उसके साथ ही साथ जब क्रिस मॉरिस ने वापसी की तो मतलब बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट उनको मिलना चालू हुए और जब बहुत ऑप्शन ट्राई किए उन्होंने भी, मतलब पहले उमेश यादव के साथ गए थे, फिर उसके बाद मोइन अली को खिलवाया था बट कोई मतलब उतना कुछ खास नहीं कर पाए, उमेश यादव की थोड़ी सी लेंथ खराब हो रही थी तो उसके चलते उमेश यादव को बाहर किया, उसके जगह पे क्रिस मॉरिस को लाया और उड़ाना एक बहुत ही अच्छे बॉलर उनको अभी इस साल मिले हैं और ये दो चेंजेस के वजह से उनको अभी बहुत ही फायदा हो रहा है क्योंकि बॉलिंग हमेशा हर साल उनकी कमजोर पड़ती थी, बट डेल स्टेन मौजूद थे उनके टीम में बट अभी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे और विकेट लेने में सफल नहीं हो पा रही थी आरसीबी की टीम अभी तक, बट अभी इस साल की जो जर्नी है उनकी बहुत ही बेहतर रही है और मतलब टेबल पॉइंट्स टेबल पे 2 नंबर पे वो अभी पहुंच चुकी है और सीधा क्वालिफायर में मतलब बहुत ही क्वालिफाई अभी हो चुकी है और 10 में से 7 मैच जीत चुके हैं आरसीबी की टीम। उसके साथ ही साथ दिल्ली जो है वो अभी टॉप नंबर 1 पे खड़ी है और दाद देनी होगी जिस तरीके से वो खेल रही है, बट उसमें उनका श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी को जाता है जरूर क्योंकि बॉलर्स को थोड़ा सा घुमाना मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग बॉलिंग देना, उसके साथ ही साथ रन बनाना खुद जाके, कैप्टन प्लीज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट एंड इसके रिजल्ट उनको मिल चुके और नंबर 1 पे अभी दिल्ली की टीम आ चुकी है और उसके साथ ही साथ टेबल पॉइंट्स पे 3 नंबर पे है एमआई की टीम, तो उन्होंने 9 मैचेस खेले तो मतलब बिल्कुल भी आज भी जीते, मतलब जब भी मैच होगी तो वो जीतेगी जरूर वो भी 7 पॉइंट के साथ। मुझे लगता है कि पहले तीन जो है 3-4 टीम बहुत ही अच्छे प्रदर्शन कर रही है और इस 10 में से लगभग 7 या फिर 6 मैचेस जीत चुकी है। पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पे किंग्स इलेवन पंजाब है, 6ठे नंबर पे राजस्थान रॉयल्स, 7वें नंबर पे है सनराइजर हैदराबाद और उसके बाद में 8वें नंबर पे है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम।
ऐसा कभी दिखते नहीं है, दिखता नहीं है हमें अभी से बिल्कुल भी कि मतलब चेन्नई की टीम जो है वो लास्ट में हमेशा टॉप पे रहती है, बट अभी इस साल जो है 2020 है तो बिल्कुल भी कुछ भी हो सकता है। आरसीबी वहां पे ऊपर पहुंच चुके हैं और जो सबसे बेहतरीन टीम है आईपीएल की हिस्ट्री में वो सबसे नीचे है पॉइंट्स टेबल पे। तो ये मजा है क्रिकेट गेम का कि क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर और कोई मतलब कब क्या हो जाए वो बिल्कुल भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज के मैच की अगर बात की जाए वो हो रही है राजस्थान वर्सेस एसआरएच के बीच में, और इसके अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान काफी एक अच्छे लय में नजर आ रही है पिछले 2 मैचेस में, क्योंकि चेन्नई को अच्छे से हराया था उन्होंने, तो बिल्कुल भी उसका फायदा उनको जरूर होगा। और एसआरएच की टीम में कहूंगा कि बॉलिंग उनकी अच्छी है बट बैटिंग में थोड़ा सा उनको पुश करना होगा खुद को, क्योंकि जो लक्ष्य है वो बिल्कुल भी आसान बन जाता है टीमों के लिए और जो ओपोनेंट होता है, फिर बॉलिंग अटैक बिल्कुल बहुत ही बेहतर है क्यों ना हो, बट अगर लक्ष्य कम है तो बिल्कुल भी रिस्क ले सकते हैं प्लेयर्स, और वैसे ही कर रहे हैं और उसके चलते हुए रिजल्ट्स मिल नहीं रहे सनराइजर्स हैदराबाद टीम को। तो बैटिंग पे ज्यादा फोकस करना होगा सनराइजर्स हैदराबाद को, और सेम एज राजस्थान रॉयल्स जो मतलब राजस्थान रॉयल्स जो पिछले 2 मैचेस में खेल रही है वैसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करे तो बिल्कुल भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बेन स्टोक्स की जगह मैं मतलब बिल्कुल भी मैं शुरू में नहीं रखना चाहूंगा उनको, मैं बिल्कुल भी लास्ट में रखना चाहूंगा, बट देखते कि क्या करते हैं स्टीव स्मिथ। तो आज की मैच मेरे हिसाब से जो है वो राजस्थान जीतने वाली है दोस्तों, पता नहीं मुझे क्या अभी ये क्या होता है बट मुझे लगता है कि राजस्थान जीत जाएगी, क्योंकि उनके पास मोमेंटम भी है और अभी बेन स्टोक्स की वापसी के बाद बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रही है टीम। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 99.9% जो आज की मैच है वो राजस्थान रॉयल्स जीतेगी। और प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा, क्योंकि बहुत ही रिजल्ट भी मिल रहे हैं और मतलब सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में से एक दो चेंजेस दिख सकते हैं हमें, बट ओवरऑल प्लेइंग 11 वही रहेगी और वही रहनी चाहिए दोनों टीमों की। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरे चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली वीडियो आपके सामने रहता रहा हूँ उसके लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, तो उससे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी जब मैं ऐसे वीडियो आपके सामने रहता हूँ तब। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।